ठीक है शेषनाथ जी, किरण बेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण बेदी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही एक बहुत यंग, एजुकेटेड, ईमानदार, प्रोफेशनली वेरी साउंड लीडर हमने खो दिया है। मैंने भी इनको, मैं कुछ साल हुए मैं गोवा में मिली थी, बिल्कुल साधारण लाइफ जीते थे, कोई पायलट वगैरह, कोई सायरन कुछ नहीं चलाते थे, स्कूटर पर कई बार ही निकल जाते थे, लोगों को याद है। ही वॉज वेरी, उन लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बहुत बहुत उनकी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि सभी कहते थे कि ऐसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, ऐसा पॉलिटिशियन हमने नहीं देखा। और गोवंस आपको पता है कि बड़े लिटरेट है, बड़े कल्चर्ड क्लास ऑफ पीपल है। सो मैं समझती हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। बहुत यंग लाइफ में, छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के साथ बहुत स्ट्रांगली लड़े, बहुत हिम्मत से उन्होंने उसका मुकाबला किया, और जानते हुए कि एक ऐसी बीमारी है जो कि जिसके रिकवरी असंभव है ऑलमोस्ट, तो भी लास्ट मिनट तक काम करते रहे, अपने देश की सेवा करते रहे। बहुत हिम्मती व्यक्ति रहे, मगर बहुत सैड लॉस है कि ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, होनहार, चरित्रवान देश ने खो दिया। किरण बेदी, अगर आपकी कभी मुलाकात हुई हो उनसे, कुछ ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें हमें आज इस मौके पर। कुछ साल पहले मैं गोवा में, मुझे इन्होंने इनवाइट किया था प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में पूछने के लिए, कहा कि हम गोवा में क्या कर सकते हैं, कुछ आइडियाज है तो बताओ। तो मुझे याद है कि बिल्कुल साधारण एक फ्लैट में ये रहते थे, अपने एक साधारण फ्लैट में, और वहां मेरी मीटिंग हुई थी। उसमें कोई भी ट्रैपिंग्स ऑफ, कोई ऐसे कंट्रोल्स नहीं थे, और बिल्कुल बिल्कुल बिना पायलट के घूमते थे, लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते थे जब इनकी गाड़ी एज ए चीफ मिनिस्टर चलती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण।